और बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री गौरी शंकर बीतेन ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा। आपको बता दें कि इसी को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है मध्य प्रदेश में। मंदसौर में क्या कुछ हुआ पूरी घटना आपको पता है। आज से शिवराज सिंह चौहान बैठ रहे हैं अनशन पर और इस बीच ये बयान। और आपको बता दें कि अनशन अब शुरू होने वाला है शिवराज सिंह चौहान का। आनंद पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दशहरा ग्राउंड से। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आनंद, वहां पर इस वक्त क्या कुछ आप देख रहे हैं, हमें तस्वीरों के जरिए भी दिखाएं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल तैयारी है पूरी और स्टेज जो है वो सज चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को 11 बजे आना था लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। हालांकि किसान कुछ यहाँ पे जरूर पहुँच गए, उनके नाम पते उनके मोबाइल नंबर ये सब लिखने के लिए तहसीलदारों को लगाया गया है और वो चीफ मिनिस्टर से किसानों की मुलाकात कराएंगे। कुछ देर बाद यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो मुखातिब होंगे। और प्रभात जी कहना चाहूँगा, विपक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि ये सब पब्लिक के पैसे पे पॉलिटिकल स्टंट है। 24 लोग मुल्ताई में किसान मार डाला था लेकिन वहां पर लहू बहाने के बाद भी दिग्विजय सिंह ने क्या किया था हम लोग जानते हैं। आज लहू बहाने का काम कांग्रेस ने किया है और हम चाहते हैं कि ये शांति का टापू खत्म ना हो और इसलिए दशहरा मैदान में बैठकर हम उन रावणों का, जो कांग्रेस रूपी रावण पूरे मध्य प्रदेश को दहन करना चाहती है, हम उनके खिलाफ यहाँ पर और कांग्रेस किसानों से कह रहे हैं कि आओ अपनी समस्या बताओ। सर विपक्ष कह रहा है ये पैसे की बर्बादी है, सरकार पब्लिक के पैसे की बर्बादी कर रही है। अरे तुम ट्रक जला रहे हो, तुम बस जला रहे हो, ये क्या पैसे की आबादी है? ये कहना है प्रभात झा प्रवक्ता है, कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उस वो इस पूरे मामले को इंस्टिगेट कर रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शांति की अपील को लेकर के यहाँ। हम लौटेंगे आनंद आपके पास और हम आपको बता दें कि हम मंदसौर भी चल लेंगे, वहां पर हमारे संवाददाता सुप्रिया है, उनसे वहां की जानकारी लेंगे।